एक कवि बहुत बहुत नाजुक मिजाज कवि है, वो लखनऊ से आए हैं और आजकल उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा ठीक नहीं, जुकाम उकाम है, तो इस वजह से वो रास्ते में बड़ा नर्वस थे। उन्होंने कहा नीरज भैया हम अब कैसे काव्य पाठ करेंगे, तो मैंने उनको एक वचन दिया आज, मैंने कहा कि आज तक आपने जितने कवि सम्मेलन पढ़े होंगे उससे कहीं ज्यादा आज टाउनहॉल परिसर गोंडा में जमोगे। अब मैंने बात दे दी है, दे तो दी है, मैं सरस्वती पुत्र हूँ लेकिन हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मेरी ये बात खाली न जाए। और वाकई वो बहुत अच्छे कवि हैं लेकिन थोड़ा सा बीच में तालियां वालियां नहीं मांगते, ज्यादा बीच में बातचीत नहीं करते हैं, तो हमने बात अगर उनको दे दी है तो हमारी तरफ से उस बात को आपको रखना है, हमारी लाज रखनी है। इसलिए भले ही कम लोग हैं लेकिन पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी उर्वरता के साथ आज योगेश योगी को हमें सुनना है। और गोंडा पहली बार किसी कवि सम्मेलन में आए हैं, एक कवि के रूप में उनकी उपस्थिति गोंडा जनपद में पहली बार हुई है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी का ये गोंडा, विश्वनाथ सिंह विकल गोंडनी का ये गोंडा, आदम गोंडनी का ये गोंडा कविता को किस तरह से मान देता है, सम्मान देता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। गीत के घर आ गए तो पीर से परिचय करो, आह को जानो नयन के नीर से परिचय करो, प्राकृतिक लय छंद को संस्कार देगी गीतिमा, गीत ही क्या गीत की तासीर से परिचय करो। तो मैं गीत की तासीर से परिचय करा रहा हूँ, बाकी आगे की जिम्मेदारी आप सबकी है, कैसे सुनना है। योगी योगेश शुक्ला को एक बार जोरदार तालियां बजाकर आश्वस्त करिए कि आप सब सुनने के लिए तैयार। हर एक सवाल का तुम्हारे हल नहीं हूं मैं, हर एक सवाल का तुम्हारे हल नहीं हूं मैं आम आदमी हूं बीरबल नहीं हूं। हर एक सवाल का तुम्हारे हल नहीं हूं मैं आम आदमी हूं बीरबल नहीं हूं मैं, अगर बस गया निगाह में तो फिर न हटूंगा, अगर बस गया निगाह में तो फिर न हटूंगा, नूरे नजर हूं आपका काजल नहीं हूं, नूरे नजर हूं आपका काजल नहीं हूं मैं, और अब से कोई कथा तेरी बख्शी न जाएगी, सुन लो विनय, अब से कोई कथा तेरी बख्शी न जाएगी, केवल गरजने वाला ही बदल नहीं हूं मैं, आगे कदम बढ़ाऊंगा, आगे कदम बढ़ाऊंगा, शतरंज का वजीर हूं पैदल नहीं हूं, बेकार है तलाशना खूंखार भेड़िया, बेकार है तलाशना खूंखार भेड़िया, गुलपोश बाग हूं कोई जंगल नहीं, बड़े अच्छे महनीय लोगों की उपस्थिति है, आदरणीय राजेश जी की उपस्थिति है, बहुत अच्छा लिखते हैं, बड़े कथाकार हैं, बहुत अच्छी कहानियां फेसबुक पर मैं आपको पढ़ता रहता हूँ सर, आज मुलाकात भी हो गई। और वैसे तो मैं गीतों के लिए जाना जाता हूँ लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग यहाँ हैं और मंच से तमाम कवियों ने राम मंदिर की बात की, बात इसकी भी आई कि मथुरा का भी उत्थान होना चाहिए, मगर उसके पहले अभी तो हमारी काशी ज्ञान बापी का ही प्रकरण बचा हुआ है, तो मैं उस पर मैंने ये गजल कभी कही थी, मेरा मन है, वैसे इस पेपर के लिए मैं जाना नहीं जाता हूँ लेकिन मैं आज सुनाना चाहता हूँ, मुझे कहता हूँ कि नजर जब आ रही है साफ सच्चाई मेरे भाई, तो तिरछी आंख त्योरी का कोई मतलब नहीं, नजर जब आ रही है साफ सच्चाई मेरे भाई, तो तिरछी आंख त्योरी का कोई मतलब नहीं है, और दिखाया स्वयं श्री हरि विष्णु ने जब लिंग विश्वेश्वर तो फब्बारे की थ्योरी का कोई, श्री हरि विष्णु से एक तो साक्षात विष्णु भगवान है और दूसरा श्री हरि इसमें श्रेष्ठ अलंकार है, श्री हरि विष्णु का एक अर्थ है हरि शंकर जैन और विष्णु शंकर जैन, उनका बेटे जोड़ी में पहली बार सर्वे की परीक्षा डाली थी तो सर्वे हुआ, तो कहता हूँ कि नजर जब आ रही है साफ सच्चाई मेरे भाई, तो तिरछी आंख त्योरी का कोई मतलब नहीं है, और दिखाया स्वयं श्री हरि विष्णु ने जब लिंग विश्वेश्वर तो फब्बारे की छोरी का कोई मतलब नहीं है, और शेर सुनिएगा कि कहता हूँ कि किसी दीवार में गौरी किसी दीवार में घंटी, तो इनकार करने के लिए अभी बचा कुछ, किसी दीवार में गौरी किसी दीवार में घंटी, अहो इनकार करने के लिए अभी बचा कुछ, और मुगलिया बादशाह की पकड़ जब आ गई जोरी तो नाहक सीना जोरी का कोई मतलब नहीं, किसी दीवार में गौरी किसी दीवार में घंटी, कहो इनकार
इनकार करने के लिए बचा कुछ गलियाबाद चाहत की पकड़ जब आ गई, चोरी गुनाह सीना चोरी का कोई मतलब नहीं है। और शेर सुनिए कि हमें है नाज इस मुल्क के हिंदू मुसलमान में दिली नजदीकियां हैं और है गहरी मोहब्बत। हमें है नाज कि इस मुल्क के हिंदू मुसलमान में दिली नजदीकियां हैं और है गहरी मोहब्बत, मगर वो एक तरफा ही अगर जज्बा मोहब्बत का तो ऐसी लव स्टोरी का कोई मतलब। हमें है नाज की इस मुल्क के हिंदू मुसलमान में दिली नजदीकियां हैं और है गहरी मोहब्बत, मगर वो एक तरफा ही अगर जज्बा मोहब्बत का तो ऐसी लव स्टोरी का कोई मतलब नहीं है। और कहता हूं कि मिला मौका सुनहरा है, मिला मौका सुनहरा है, दिखा दो इस जमाने को कि हम तुम एक खाली एक प्याला हम दीवाना। मिला मौका सुनहरा है, दिखा दो इस जमाने को कि हम तुम एक खाली एक प्याला हम दीवाना। और अगर इस बात भी चुके हमारा ध्यान देने में तो फिर खाली कटोरी का कोई। मिला मौका सुनहरा है, दिखा दो इस जमाने को कि हम तुम एक थाली एक प्याला हम निवाला। अगर इस बार भी चूके हमारा धाम देने में तो फिर थाली कटोरी का कोई मतलब नहीं है। मैं योगी नाम से लिखता हूँ, योगी भगवान श्री को कहा गया है, वो आज योगी है और महागुरु है। तब कहता हूँ कि इमाम हिंद है श्री राम, आदरणीय कृष्णो शिव, तुम ही कहते थे हमसे दो सौ लोग साथ रामा इकबाल ने कहा है इमाम हिंद है श्री राम, आदरणीय कृष्णो शिव, तुम ही कहते थे हमसे दो सौ लोग साथ आओ, मगर अपना साफ होगा के तुम्हारे हेतु राम कृष्ण या योगी अभूति का कोई मतलब नहीं है। जब आ रही है साफ सच्चाई कोई मतलब नहीं है। और मैं एक गीत पढ़ता हूँ, मुझे मालूम था कि आप किस बात के लिए कहेंगे, मुझे बुलाने क्रम उन्होंने बता दिया, तबीयत बहुत ठीक नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। वैसे मैं गीत वीत कुछ लिखता लिखता नहीं हूँ, हमारे अच्छा ये है कि छोटी छोटी कहानियां हैं मेरे जीवन की जिन्हें मैं शौक में खा देता हूँ और वो कब भी तो भावनाओं की परिस को लांघता हूँ, फिर स्वयं की जिंदगी में झांकता हूँ। आपको लगता है सब कुछ काल्पनिक है जबकि मैं अपनी कहानी कहानी है सफर की, हम सफर अब तुम नहीं हो, मगर जीवन सफर से तुम नहीं हो, अभी अनस में यादों की निशानी शेष है, सफर की हम सफर अब तुम नहीं हो, मगर जीवन सफर से तुम नहीं हो, अभी अनस में यादों की निशानी शेष है, मेरे अनस में यादों की निशानी शेष है, हृदय पट पर सुरक्षित है अभी तक समय वह जो तुम्हारे सांग बीना, हृदय पट पर सुरक्षित है अभी तक समय वह जो तुम्हारे संग बीना, वचन सारे भाना चाहता था किया संघर्ष पर दुर्भाग्य जीता, प्रणय हारा हुआ था हाथ रीता, नियत के पार से थे हाथ छूटे, अतः बाधे उभय के मध्य टूटे, मगर मानस में बादलों की कहानी शेष है, मगर मानस में बादलों की कहानी शेष है, सफर की हम सफर अब तुम नहीं हो। किसी भी चीज को अमरता तब मिलती है जब उसका भौतिक पोषण नष्ट होता है। हम सैनिकों को भी अमर शरीर कहते हैं क्योंकि एक देह तो नष्ट हो जाती है मगर एक आत्मा हमेशा जीवित होती है। प्रेम में भी कुछ ऐसा ही है, तब कहता हूं यदि छड़ते वक्त तुमने ये कहा था, पूरे सभी होते नहीं है, कभी मत आंख से आंसू बहाना, कहा था मर्द तो हो छड़ते वक्त तुमने ये
होते नहीं है कभी मत रात से आंसू बहाना कहा था हर तो रोते नहीं है हंसी मुस्कान को खोते नहीं है तो किसी का रंग हंसी हंसता गजब की किसी का रंग हंसी हंसता गजब की किया आंसू बहाना पंत जब नयन पापस में लाखों बूंद पानी शेष है नयन पापस में लाखों बूंद पानी शेष है सफर की हम सफर अब तुम नहीं हो और ये दांतिम बन रहा है अभी सुमित्रानंदन पंत जी श्रद्धे सुमित्रानंदन पंत जी को समर्पण किया उन्होंने कहा था वियोगी होगा पहला कवि आसोचा होगा तब कहता हूँ कि वियोगी ही सदा से कवि हुए हैं बुजुर्गों से यही मैंने सुना है वियोगी ही सदा कवि मन हुए हैं बुजुर्गों से यही मैंने सुना है जगत की आह गाने के लिए भी विधाता ने मुझे शायद चुना है सतत जारी लगन से साधना है तो योगी से परा मैं एक योगी योगी से परा मैं एक योगी अलंकारी मेरी पहचान होगी अभी नस नस में गीतों की रानी मेरे नस नस में गीतों की रानी शेष है सफर की हम तुम नहीं हो मगर जी हम सफर से तुम नहीं हो अभी अंतस में यादों की निशानी शेष है बहुत सारे कविताएं पढ़ी गई जी 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 मगर पत्नी ही ताकत होती है हर एक कामयाब व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है अगर मैं यहाँ तक आया वो भी 42 बरस की उम्र में 40-42 बरस की उम्र में 40 बरस की उम्र में मैंने कविता के मंचों को जब पाना शुरू किया है तो निश्चित रूप से इसके पीछे मेरी पत्नी का हाथ है तो एक एक मैं अपनी पत्नी को समर्पित करते हुए और आप सभी अपने प्रेमियों को याद करिएगा संभवतः सभी के साथ ऐसा हुआ होगा मैंने जिनकी शादी नहीं हुई उनके साथ भी शादी उनके साथ भी होता है बस स्वच्छ होता है तुमने आकर प्रणय उषा से हमें किया रोशन जुड़ते ही बंधन बन बैठे भोर सरीखे तुमने आकर प्रणय उषा से हमें किया रोशन जुड़ते ही बंधन बन बैठे भोर सरीखे तुमने आकर प्रणय उषा से पहले एक कक्ष में जीते थे एकाकी पन घर खाने को दौड़ा करता था तन्हाई का नाक विषैला डसने को तन मन अपना सीना चौड़ा करता था लेकिन जब से तुमको पाया लेकिन जब से तुमको पाया घर का हर कोना मुस्काया तन्हाई को दूर भगाया है तुमने लेकिन जब से तुमको पाया घर का हर कोना मुस्काया तन्हाई को दूर भगाया है तुमने तो तुमको पाकर मिटा भवन का सारा सोना बन वरना घर आंगन थे आदम खोर सरीखे तुमने आकर प्रणय उषा से एक बार तालियां बजा दी क्या ये सब सच्ची कहानियां है गीत भी कुछ नहीं है
श्याम वर्ण था इस पर थे घर के छोटे बच्चे, कान्हा कहती थी हमको मैया। श्याम वर्ण था इस पर थे घर के छोटे बच्चे, कान्हा कहती थी हमको मैया। देते थे उपदेश हमेशा भ्राता को सच्चे, कृष्ण पुकारा करते थे भैया। लेकिन अब सब हमें पुकारे, लेकिन अब सब हमें पुकारे, बोल बोल कर मोहन प्यारे, जब से ले आए घर भारे मैं तुमको। लेकिन अब सब हमें पुकारे, बोल बोल कर मोहन प्यारे, जब से ले आए घर भारे मैं तुमको। तो तुम बोला कर हो बैठे हैं राधा के मोहन, वरना थे बचपन में माखन चोर सरीखे। जोड़ा तालियां और बजा और इस गाने बंद के भीतर घेरे था हमदम हरदम गम का मौसम, भीतर घेरे था हमदम हरदम गम का मौसम। जीवन के सुर बिखरे बिखरे थे, तुमने जब एहसास कराया हम न किसी से कम, स्वर अक्षर तब जाकर निखरे थे। तुमने जब उत्साह बढ़ाया, तुमने जब उत्साह बढ़ाया, बेहतर लिखना पढ़ना आया, गीतों में कब से है गाया बस तुमको। तुमने जब उत्साह बढ़ाया, बेहतर लिखना पढ़ना आया, गीतों में तब से है गाया बस तुमको। तो तुमको गाकर स्वर झरते जो नूपुर की छन छन, वरना थे गायन में तीखे शोर सरीखे। तुमको गाकर स्वर झरते जो छन 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 छन, वरना थे गायन में तीखे शोर सरीखे। तुमने आकर प्रणय उषा से हमें किया रोशन, जुड़ते ही बंधन बन बैठे भोर सभी के बाद।